हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं लेकर के आई हूँ छोटी बच्ची के लिए फ्रॉक, जो देखिए बहुत सुंदर और बहुत आसान तरीके से बतला रही हूँ। जैसे मैं देखिए यहाँ जैसे फिनिशिंग हम रखेंगे तो 7.5 इंच छाती के पास फिनिशिंग रखना है और नीचे में 7 इंच पर ही फिनिशिंग रखिएगा, क्योंकि बच्चा का है तो थोड़ा सा ढीला कपड़ा चाहिए। इसके बाद मैं पैकेट पे और बाजू पे चुन्नी बैठा करके दिखलाएंगे, और पैकेट पर भी हमको चुन डालना है, जो आप लोग अच्छा से सीखिएगा। और बहुत सुंदर फ्रॉक बनता है। यहाँ पर देखिए मेरा कटिंग हो गया है दोनों साइड का गला। अब मैं यहाँ पर बाजू पे प्लेट बैठा करके दिखलाऊंगी, और पैकेट किस तरह बैठाना है उस टाइप से भी आप लोग देखिएगा। देखिए पैकेट दो ठो बनेगा, तो इसको रखिएगा 4-4 इंच का लंबाई चौड़ाई रखिएगा, उसको गोल नीचे साइड में चौड़ाई रहने दीजिएगा और ऊपर साइड से गोल कर दीजिएगा, ताकि ऊपर वाले मुंह चौड़ा रहेगा और नीचे वाले मुंह गोल रहेगा। और अस्तर देकर के इसको पलटिएगा, चाहे फिर ऐसे भी हो जाएगा। देखिए इस टाइप से ड्राइंग पार के और कटिंग कर दीजिएगा। इसके बाद फिर इसको पलट करके दिखलाएंगे पैकेट को, और बाद में उसको प्लेट बैठा करके इसी पे सेव कर देना है। यहाँ पर पैकेट बैठाने के लिए हम सेप डाल दिए हैं, लाइनिंग डाली हूँ। इसके बाद हम प्लेट बैठा करके पहले मशीन से चलाएंगे, इसके बाद फिर अब यहाँ पर देखिए 3-3 इंच का हम कटिंग कर रही हूँ। जैसे साड़ी का कोरी रहता है ना, तो 3-3 इंच के हम प्लेट बैठाने के लिए बाजू पे बैठाएंगे और यहाँ पैकेट पे बैठाएंगे। तो उसके लिए देखिए ये जो है ऊपर वाले जो हम कटिंग करके हल्का सा 3 इंच का निकाल लेंगे, और निकालने के बाद फिर पैकेट पर हम प्लेट बैठाना शुरू करेंगे। नीचे और ऊपर साइड हल्का सा फोल्ड कर देंगे।
यहाँ पर देखिए, जैसे मैं नीचे के घेरा के लिए ली हूँ तो लंबाई में मेरा है 15 इंच, चौड़ाई में 15 इंच है, लंबाई में 33-44 इंच का है। तो ये मेरा डबल फोल्ड में है, मतलब 4 फोल्ड में है। तो इसके मतलब हुआ कि 2.5 मीटर के करीब मेरा लंबाई जा रहा है। इसको हम अब कटिंग करके आपको दिखलाऊंगी और ज्वाइंट करके, और सिलाई करने के बाद तो ये 13 इंच ही बचेगा लंबाई। इसको यहाँ पे बराबर कर देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस तरह से मोड़ना है, ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला देना है ऐसे। देखिए यहाँ पर हम बाजू पे उरेबी फोल्ड करके सिलाई कर दिए हैं, पूरे भी फोल्ड करके सिलाई किए हैं। यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1 इंच के मार्जिन रखते हुए सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कमर के पास, इसको हम कमर बोलते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से इसको सिलाई कर देना है। यहाँ पे पकड़ लेंगे, यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे ऐसे, इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे राउंड में हम सिलाई कर लिए हैं, तो यहाँ पे पकड़ेंगे, इसको इस तरह से पलट देंगे, यहाँ कोने पे पकड़ लेंगे और पकड़ करके ऐसे कमर पे राउंड से डबल फोल्ड चला देंगे। राउंड शेप में डबल चला देना है सिलाई।
ये फ्रॉक हम बनाए थे जब मैं छोटी थी, 12 साल की उम्र की थी, तो फुआ की बेटी के लिए मैं ये फ्रॉक बनाई थी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप लोग भी सीखिए। मेरा बचपना का याद है।